दिनों से देख रहे हैं, तुम्हारी आंखों में कुछ गमगीन से आंसू हैं, चेहरा बड़ा उदास है, कोई बात जुबा पे आती है फिर हो जाती है, क्या बात है? बेटा गोपीचंद, हाँ, बहुत दिनों से एक बात सोचती हूँ अपने मन में और आपसे कहना चाहती हूँ। क्या बात? लेकिन डरती हूँ कि कहीं मेरा बेटा मेरी बात मानने से इनकार ना कर दे। कैसी बातें करती हो माँ? हम आपका पुत्र हैं और आपको जो हुक्म होगा हमारी सर आंखों पर होगा। अच्छा, हाँ बेटा, आप मेरी बात मानने के लिए तैयार हैं? हम बिल्कुल तैयार हैं आपकी बात मानने के लिए। हेलो, कहिए अपनी बात। सुनिए भाई, बात भैया सीटी बताएंगे बार बार। क्यों आख्या मैं नीर तेरे, क्यों आख्या मैं नीर, काल जा फटे से तेरी मां का, कौन क्या बता दे माता, क्यों आख्या मैं नीर तेरे, क्यों आख्या मैं नीर, मेरी बात सुनिए, क्योंकि कहते हैं कि इंसान कर्मों के अनुसार जीवन जीता है और जैसा मेरे कर्म में लिखा है माँ, मुझे वैसा टाइम काटना है। लेकिन आप जिस बात के लिए परेशान हैं, आप परेशान नहीं होइए, मेरी बात गौर से सुनिए। अरे क्यों आख्या मैं पानी री आ गया, क्यों आख्या मैं पानी री आ गया, दर्द भरा तेरी पानी में, धन पहुंच गारी माता, बीती हुई कहानी में, करके याद पुरानी रोई, विधवा हुई जवानी में, करके याद पुरानी रोई, विधवा हुई जवानी में, ओ बीती में भुला दे माता, मैं धले धी ये तो उस भगवान विधाता के हाथ बात होती है। इंसान तो केवल कर्म कर सकता है। जिस बात के लिए आप परेशान हैं, हमें सीधे सीधे बताइए, हम आपके पुत्र हैं। मैं सब कुछ जानती हूँ बेटा, हाँ, लेकिन जो बात मैं आपसे करना चाहती हूँ, हाँ, वो बहुत ही कठिन बात है। अच्छा, आपको अपने दिल पर पत्थर रख करके मेरी बात सुननी होगी। आपकी बात? हाँ, मैं सुनूंगा। अच्छा, और परम आदरणीय हमारे परम श्रद्धेय बहुत ही विख्यात शख्सियत नांगा पहलवान साहब जी खंडवाई से, जिन्होंने पहले भी सम्मान किया, फिर से स्वर पे सम्मान करते हैं, एक बार जोर दाता लीजिए, बार बार करते हैं। आइए सरकार, दूसरी बात ने क्या बता दिया। मरना जीना लाभ हानि यत्यप्यत खेल विधाता के, अच्छी तरियाज
माता के अरे के दर्शन करना चाहरी आज नहीं के दर्शन करना चाहरी आज खात भरत्री भ्राता के धर छाती पे हाथ लाल आदेश कटे तेरे माता के धर छाती पे हाथ लाल आदेश कटे तेरी माता के ओ आज तू सुना दे माता अपने दिल की पीर सारी अपने दिल की पीर बेटा गोपचंद माँ से कहता है और साथियों इस बात में जिस बात के लिए मेहनत थी परेशान थी उस बात को समझ बताएगी सुनिए मेरी बात गौर से ए बे खटके से कह तेरी माता बे खटके से कह तेरी माता तेरा हुक्म बजाना चाहूं सूं तू आपत में पड़ जागा तने खोल बताना चाहूं सूं अरे दे आदेश तेरे चरणों में अच्छा। साथियों जिस बात के लिए मैनावंती परेशान थी अपने बेटा गोपीचंद के लिए उस बात को सरिता का सब जब अपनी लाइन में बताएंगे अगर वो लाइन सच्ची अच्छी लगे तो सुन के ताली बजा देना अरे दे आदेश तेरे चरणों में शीश चढ़ाना चाहूं सूं गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सूं गोपीचंद बेटा मैं तन्ने अमर कराना चाहूं सूं बहन ये मिटा दे माता आवे है आखिर एक दिन आवे है आखिर मन भटकइए तू योग साधना करके बेटा अमर शरीर बनइए तू तेरी बात असंभव सी लागे मां बात असंभव सी लागे मन भेद खोल समझइए तू मिल जागा हरे राम बैसला कुसक बडोल जइए तू ओ मिल जागा हरे
सोनू ट्रैक कैसे